इसके ऊपर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कि कई बार कमेंट आए थे इग्नोर करता रहा, बट अभी ये इस पर बोलने का वक्त है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए। साथियों, जब मैं YouTube पे नया नया आया तो एक सबसे बड़ी भर्ती कवर की सबसे पहली वही भर्ती थी मेरे इस चैनल की, जो कि त्रिपुरा स्टेट राइफल इंडियन रिजर्व बटालियन। दो बातें हैं, एक है त्रिपुरा स्टेट राइफल के, इसका तो नाम है लेकिन ये इंडियन रिजर्व बटालियन के तहत है। कहने का मतलब इसका जो कारभार है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, बात रहती है त्रिपुरा में है, त्रिपुरा स्टेट राइफल के नाम से जानी जाती है। साथियों, इसमें भी पहले एकदम टोटली SSC GD के जैसे पहले फिजिकल वगैरह हुआ था, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल सब कुछ हुआ था। तो इस भर्ती को लेकर कई बार कमेंट आते रहते हैं कि सर, इस भर्ती का फॉर्म क्या किसी अदर स्टेट से भरा जा सकता है या सिर्फ त्रिपुरा वालों के लिए होता है? तो मैं बता दूं, इनसाइड आउटसाइड दो हिसाब से फॉर्म निकलते हैं। एक तो आउटसाइड होता है जो कि त्रिपुरा के बाहर कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से, और एक होता है इनसाइड जो त्रिपुरा के अंदर किसी भी ज़िले से हों। तो जो त्रिपुरा के बाहर किसी भी राज्य से, साथियों मेरे पास अभी भी संपर्क है आपके राजस्थान से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। साथियों, अगर एवरेज निकाला जाएगा तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान और बिहार यहीं सबसे होंगे, बाकी हर जगह से जम्मू कश्मीर तक के भी इसमें कैंडिडेट साथियों फाइनल सेलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छी भर्ती होती है साथियों, बहुत नॉर्मली होती है, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, बट इसमें कुछ पद मुझे लगते हैं कि बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को अभी से जानकारी दे रहा हूँ। बाकी साथियों, जैसे कोई भी अपडेट आती है त्रिपुरा स्टेट राइफल के बारे में, एकदम पैरामिलिट्री समझिएगा, तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। उसके लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।